हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का वीडियो कैसा होने वाला है आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। चलिए शुरू करिए हमारा वीडियो। इमरजेंसी ये सही है, लेकिन इसका जो चार्जिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखिए इसका ट्रांसफार्मर लगता है अंदर से कट गया है और वायर भी टूट सकता है। इसको पहले हम खोल लेते हैं। फटाफट से खोल लेते हैं इसको। हम इसको खोल दिया और सबसे पहले हम देखेंगे इसका वायर सही है कि नहीं, उसके बाद ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। इसका स्क्रू हटा लें। ये देखिए इसका ट्रांसफार्मर एकदम जल गया है, तो हाई वोल्टेज के वजह से इसका ट्रांसफार्मर जल गया है। इसको हम चेंज करने वाले हैं, तो सबसे पहले बैटरी का कनेक्शन ओपन कर दें। ये हमारा बैटरी साइड में रख दिया है। अभी हम ट्रांसफार्मर के खोल लेंगे। ये नया ट्रांसफार्मर है, 909 का ट्रांसफार्मर है, 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। इसको पहले हम चेक कर लें, कभी कभी नया ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाता है। इसके लिए मीटर को डायोड रेंज में रख कर इसका कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे। एसी साइड जो है वो ज़्यादा दिखाएगा, वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा, और देख लीजिए आपका, और डीसी साइड में शॉर्ट दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हमारा ट्रांसफार्मर एकदम सही है। अभी हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। उसके लिए ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जो है वो खोल लेते हैं। आप जैसे जैसे ट्रांसफार्मर को खोलेंगे वैसे ही कनेक्शन कीजिएगा, कनेक्शन उल्टा मत कीजिए। देखिए ग्रीन वाला वायर 9 वोल्ट में और 0 में लगाएगा ब्लैक वाला वायर, और दूसरी 9 वोल्ट के साथ ग्रीन वाला वायर को कनेक्शन कर देंगे। अभी एसी का कनेक्शन करना है हमको। रेड और ब्लू वाला वायर हमारा एसी में कनेक्शन हो जाएगा। हमारा एसी का कनेक्शन हो गया। अभी हम इसको ट्रांसफार्मर को जहाँ पर था वहाँ पर लगा देंगे। ये वाला जो पत्ती है इसको लगाने का मतलब है ट्रांसफार्मर जो है वो उल्टा करने से ये खुल सकता है, निकल जा सकता है बाहर। इसीलिए हम इसका ऊपर एक इसके ऊपर एक प्लास्टिक का प्लेट लगा दिया है। इसको लगा के टाइट कर देंगे। अभी हम बैटरी का कनेक्शन कर देंगे, ब्लैक को रेड के ब्लैक के साथ और ब्लू को रेड के साथ कनेक्शन करेंगे। अभी हमारा इमरजेंसी रेडी हो गया। इसको एसी लगा कर देख लेंगे। देखिए हमारा एलईडी लैंप ग्लो कर रहा है चार्जिंग वाला। अभी इसको फटाफट से टाइट कर लें। दोस्तों ये बॉडी को टाइट करने से पहले आपको एसी लैंप को एसी कनेक्शन दे के चेक कर लेना चाहिए, बाद में भी चेक करेंगे। देखिए हमारा एलईडी लैंप जो है इंडिकेटर है, चार्जिंग एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब हमारा इमरजेंसी चार्ज हो रहा है। अभी हम
चार्जिंग लगाते हुए स्विच को ऑन करके देख लेंगे। देखिए ऑटोमेटिक काम कर रहा है कि नहीं, इसको हम देख लेंगे। देखिए हमारा ऑटोमेटिक भी काम कर रहा है, ठीक है, हमारा चार्जर जो है बन के रेडी हो गया। कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जो लोग नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पुराने हैं वो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अग्गा दीजिए।